फ्रेंड्स, आप सभी इस बात पर ध्यान दें कि आपको ड्राइव में डाटा कैसे अपलोड करना है। सभी प्रिंसिपल और टीचर्स इस बात पर ध्यान दें। आपको इस तरीके से एक लिंक भेजा जाएगा ड्राइव का, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। कोई भी मेल आईडी जो भी आपकी है, आप उसके ड्राइव में उस लिंक को खोलेंगे। ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सेशन 2021 आएगा, 2021-22 आएगा। जिस भी सेशन का आप डाटा अपलोड कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं 21-22 का डाटा अपलोड करना चाह रही हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। मैंने इस पर ये क्लिक किया, यहाँ पर क्लास खुलेंगी। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हॉलीडे, होमवर्क और एक्टिविटीज़। आप जिस भी क्लास का डाटा अपलोड कर रहे हैं उस क्लास पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट पर कर रही हूँ। जिस भी स्कूल का डाटा आपको अपलोड करना है आप उस स्कूल के नाम पर क्लिक करेंगे। आपके स्कूल के नाम यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो ध्यान देंगे, अपने स्कूल के नाम में ही नाम के फोल्डर में ही अपना जितना भी डाटा है वो अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं वजीरपुर विलेज फर्स्ट खोलती हूँ, यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। जब मुझे डाटा अपलोड करना है या बच्चों की फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, PDF अपलोड करना, वो सब इसमें हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लस के निशान पर जाएंगे, अपलोड पर जाएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपके पास डाटा है आप उसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर ये वीडियो, PDF सब दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी, जैसे इमेज ली, या फिर आप गैलरी में भी जा सकते हैं। आपके पास गैलरी का ऑप्शन हो अगर यहाँ पर इस तरीके से, ये फ़ोटोज़ का, किसी में फ़ोटोज़ का आता है, किसी में गैलरीज़ का आता है, तो आप गैलरी में जाएंगे। गैलरी में से तो फ़ोटो और वीडियो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। आप जो भी वीडियो या फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये मैंने की है, ये फ़ोटो यहाँ अपलोड हो जाएगी। वीडियो पर भी इसी तरह होगा। जब वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो पर डन करेंगे, वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। PDF के लिए आप माई फाइल में जाएंगे। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। प्लस करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड के लिए आप डाउनलोड्स में जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड्स में कुछ नहीं है मेरे फ़ोन में, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आपके डाउनलोड्स में PDFs होंगे, या माई फाइल में जाएंगे वहाँ PDFs होंगे। आप अपने बच्चों का काम PDF बनाकर भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये अपलोड हो गई है एक फ़ोटो। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, ये फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। ओके।